स्केलेटन इज द स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, और जैसा कि इसके नाम से भी हमें पता चलता है, साइटो स्टैंड्स फॉर सेल और स्केलेटन की टर्म हम यूज़ करते हैं स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर के लिए. सो दिस साइटोस्केलेटन विल बी प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल मेम्ब्रेन के बाहर नहीं होगा, एंड इट कंटेन्स साइटोस्केलेटल फाइबर्स. ये साइटोस्केलेटन और साइटोस्केलेटल फाइबर्स को हम कंसीडर करते हैं एज नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, और इनको तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं इनके डायमीटर के बेस पे: माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो हम सबसे पहला कंपैरिजन जो इन तीनों के दरमियान यहाँ पे करेंगे वो इनके डायमीटर का होगा. इन तीनों में से सबसे कम डायमीटर माइक्रोफिलामेंट्स का होता है, दैट इज़ अबाउट 7 to 8 नैनोमीटर्स, और सबसे ज़्यादा माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है, दैट इज़ अबाउट 20 to 25 नैनोमीटर्स. वाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन दीज टू, और इसलिए इनका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 नैनोमीटर्स का होता है. दूसरा डिफरेंस जो इनके दरमियान हम कर सकते हैं वो इनकी प्रोटीन कंपोजिशन का है. तीनों की प्रोटीन्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं. जैसे माइक्रोफिलामेंट्स की टर्म हम एक्चुअली एक्टिन फिलामेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, और ये स्केलेटल मसल्स में हमने पढ़ा हुआ है कि एक्टिन फिलामेंट इज़ मेड अप ऑफ 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स, मेनली उसमें एक्टिन है. सो दीज माइक्रोफिलामेंट्स कंटेन एक्टिन प्रोटीन, दे मे आल्सो हैव ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन के अलावा दे आल्सो हैव ट्रोपोनिन. ये प्रोटीन्स मौजूद होंगी एक्टिन फिलामेंट्स में. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, जबकि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की कंपोजिशन सेल टू सेल वेरी करती है, इसमें प्रोटीन्स की वैरायटी ज़्यादा है. यहाँ पे आप एक कॉमन एग्जांपल जो याद रख सकते हैं वो है वेमेंटिन. दिस इज़ अ प्रोटीन दैट बिलोंग्स टू इंटरमीडिएट फिलामेंट्स. तीसरा पॉइंट जो हम इनके कंपैरिजन में पढ़ेंगे वो इन तीनों का रोल है कि सेल के अंदर ये क्या रोल परफॉर्म करते हैं. जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं दीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विद मूवमेंट्स, सेल की मूवमेंट से रिलेटेड, के लाइक दीज आर इन्वॉल्व्ड इन इंटरनल सेल मोशन. इसी तरह से जो अमीबाइड मूवमेंट है इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोफिलामेंट्स. अमीबाइड मूवमेंट्स इन पे डिपेंड करेगी. इसी तरह से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स दीज आल्सो डिपेंड अपॉन माइक्रोफिलामेंट्स. साइक्लोसिस इज़ द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनेल्स, ये भी इन्हीं पे डिपेंडेंट होगी. माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ जिन स्ट्रक्चर्स को हम रिलेट करते हैं उसमें एक तो आपने याद रखना है सेंट्रियोल्स को, और इनसे अराइज करते हैं स्पिंडल्स. नाउ सेंट्रियोल्स एंड स्पिंडल्स हैव रोल इन सेल डिवीजन, तो ये सेल डिवीजन सेंट्रियोल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स पर डिपेंडेंट होगी. इसी तरह से बेसल बॉडीज, इन बेसल बॉडीज से अराइज करते हैं सीलिया और फ्लैजेला. सीलिया एंड फ्लैजेला हैव रोल इन लोकोमोशन, सीलरी लोकोमोशन, फ्लैजेलरी लोकोमोशन. सो ये सीलियरी फ्लैजेलरी लोकोमोशन इट डिपेंड्स अपॉन माइक्रोट्यूब्यूल्स.
जबकि जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं इनका मेन फंक्शन सेल की शेप को मेंटेन करना है. सो दीज हैव इम्पॉर्टेंट रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप.